It doesn't kill you. आज का दिन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। कि आज जिन्होंने इस पूरे देश में नहीं विश्व के कई देशों में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृति यहाँ की परंपराओं वेदों का ज्ञान को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। जिनसे जो भी एक बार मिलता है वो अपना हो जाता है। जूना पीठाधीशर महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद स्वामी जी, उनके चरणों में मैं शत-शत नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे मित्र पुष्कर सिंह धामी जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद, कवि लेखक रमेश पोखरियाल जी, हरिद्वार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, आदरणीय मदन कौशिक जी इस मंच पर विराजे, महामंडलेश्वर नैसिका गिरी जी, विधायक प्रदीप बत्रा जी, और जिन्होंने स्वामी जी के जीवन पर ये किताब लिखी तप और तपस्या, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, पीसी त्रिपाठी जी, सभी संतगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों, आज देवभूमि के इस पवित्र स्थान पर, हरि की धरती पर आपके बीच में आने का मौका मिला। और जब भी मैं इस देवभूमि पर आता हूं, मन को असीम शांति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आभा हर व्यक्ति को जीवन में नई ऊर्जा, नई कार्य करने की प्रेरणा देती है। और विशेष रूप से जब भी स्वामी जी के चरणों में आने का मौका मिलता है, एक असीम शांति मिलती है। उनके जीवन को देखकर, उनकी शांत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को हमेशा कार्य करने की ऊर्जा भी मिलती है और दिशा भी मिलती है। ऐसा मेरा संतों से मिलना कम होता है। जहां कहीं भी जाना होता है, मेरी पत्नी के आग्रह पर जाता हूं, लेकिन आचार्य स्वामी जी के यहां जब भी मौका मिल जाता है, जब कोशिश करता हूं कि
उनका सानिध्य मिले, उनके साथ बैठकर आध्यात्मिक रूप से ज्ञान मिले, ताकि समाज में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा इस कार्य में मिले। और मैं तो कई बार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि जीवन में राजनीति को सामाजिक कार्य करने वाले जो भी महान भाव होते हैं, विशेष रूप से राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले महान भाव होते हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत क्षणिक होता है, रोज होता है, हर घटनाओं पर होता है, और इसलिए उनको हमेशा आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि मन हमेशा शांत रहे, स्थिर रहे। जो अच्छा हुआ प्रभु की कृपा पर, जो हुआ बुरा हुआ प्रभु की कृपा पर, इस मानकर सतत प्रयास से काम करते रहें तो कभी जीवन में कार्य करने में अवरोधक नहीं होता। और इसीलिए स्वामी अवधेशानंद जी में भी यही अलौकिक सिद्धि है। वो लाखों लोगों को, करीबन 12.5 लाख लोगों को जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया, उन्होंने भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों को सरल भाषा में व्याख्या की, ताकि आम आदमी भी उन ग्रंथों को पढ़कर उनके जनमानस में एक नई जागृति आए, नई प्रेरणा है। स्वामी जी को जब भी मैं सुनता हूं, उनके उपदेश, उनके ज्ञान, उनके जीवन में विनम्रता हमेशा एक नया ज्ञानवर्धक देती है। और निश्चित रूप से उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर इस सनातन संस्कृति का तो प्रचार प्रसार किया ही सही, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचनों से लोगों को जीवन जीने की राह भी बताई। और इसीलिए अवधेशानंद जी महाराज ने अपने जीवन को इस समाज के लिए समर्पित किया। उनकी तप तपस्या, उनका संयमित जीवन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी दिव्य शक्ति समाज के लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। श्यामा जी ने जहां आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, वहां नर को नारायण मानकर सेवा करने का काम भी किया। कई सामाजिक प्रकल्पों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति, वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके लिए समाज के लोगों को जागृत किया। और प्रभु प्रेमी संघ के माध्यम से किस तरीके से समाज के अंतिम अभाव वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए लाखों लोगों को प्रेरणा दी। और मैंने देखा था किस तरीके से प्रभु प्रेमी संघ ने कोरोना के समय आपदा संकट विपत्ति में परिसे लोगों की मदद की। केवल देश में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में जहां भी स्वामी जी के अनुयायी थे, उन्होंने देश के अंदर उस समय सेवा का जो पुण्य काम किया, इसके लिए मैं स्वामी जी के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे तो हम जब धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं,
तो हर सत्संग और ज्ञान से हमेशा हमें नई दिशा मिलती है। और स्वामी जी ने इसी तरीके से जीवन के अंदर सत्संग के माध्यम से, सौदय के माध्यम से, संयम साधना के माध्यम से सब उत्थान के लिए जीवन में एक नए सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर शांति को, मानसिक शांति के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। अपने जीवन में और समाज में शांति रहे, उसके प्रति उन्होंने एक नया दर्शन दिया। आज यही कारण है कि हम जब देश के अंदर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम उन समय उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए बलिदान दिया। वह आजादी की लड़ाई लड़ने और आजादी के बलिदान देने वाले सब लोग कहीं न कहीं आध्यात्मिक भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे और उनके जीवन में कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान की एक शक्ति थी। और इसीलिए कहते हैं कि जब फांसी के फंदे पर लटकने लगे तो गीता उनके हाथ में थी, गीता का उपदेश ज्ञान उनकी अंदर की अलौकिक शक्ति को जागृत कर रहा था कि मेरा भी समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता होना चाहिए। और आज भी आजादी के बाद भी इस आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति के माध्यम से देश में संत परंपराओं ने जिस तरीके से समाज में एक नई दिशा दिए, नया रास्ता बताया, हम आजादी के 75 साल बाद इस बात को अनुभव कर रहे हैं। कोई समय था जब साथियों लोग सोचते थे कि आध्यात्मिक रूप से ये तप और तपस्या ये केवल संत साधुओं के लिए है, लेकिन जिस जिस तरीके से समाज में तनाव फैलता गया, अवसाद फैलता गया, वैसे वैसे संत समाज का आध्यात्मिक ज्ञान, उनकी दी गई आध्यात्मिक शक्ति, संयमित और आत्मसंयमित जीवन, आत्म अनुशासन, मन को तन को शांति की ओर ले जाने का काम हमारी संत परंपराओं ने किया। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत की संतानन संस्कृति और परंपरा ही ऐसी श्रेष्ठ परंपरा है जिससे लोगों को शांति का द्वार मिला। और आपने देखा होगा दुनिया के लोग इस देवभूमि के लिए, शांति के लिए आते हैं, चाहे वह तन की शांति हो, मन की शांति हो, योग आध्यात्मिक ज्ञान लेने यहां पर आते हैं। और हमारे संत लोग यहां पर इस देवभूमि में जिन्होंने वर्षों तक अपनी तपस्या कर अपने जीवन को आत्मसंयमित बनाया और उस ऊर्जा से, उस शक्ति से समाज को दिशा देने का काम किया, ऐसे सभी संतों के जीवन में प्रणाम करता हूं। साथियों, भारतीय योग और संस्कृति ही तन मन को शांति दिलाती है। और इसीलिए जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूएनए के अंदर कहा कि अगर मन को शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो ध्यान योगी संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ संस्कृति परंपरा है। जहां तन मन को शांति और शरीर स्वस्थ रहे,
इसलिए योग संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है, लेकिन इस वैदिक संस्कृति को वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से विश्व के अंदर अपने प्रस्ताव के माध्यम से यूएनए में रखा और देश के अंदर अधिकतम देशों में, आज मैं जिस देश में गया वहां पर योग संस्कृति ध्यान ही मन की शांति की श्रेष्ठ पद्धति है। और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन विकसित देशों के अंदर भी योग संस्कृति का उपहार भारत ने दिया। अभी 21 जून को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के अंदर यूएनए की तरफ से जो योग साधना संस्कृति का नेतृत्व किया, टाइम स्क्वायर पर स्वामी जी ने योग संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से उनके दिए गए प्रवचन, उनके दिए योग, उनकी संस्कृति, उनकी तप तपस्या की अलौकिक शक्ति को उन्होंने देश के कई हिस्सों के अंदर उस न्यूयॉर्क की धरती से देने का काम किया। इसके लिए भी महाराज को सशस्त्र प्रणाम करता हूं कि आपने भारतीय संस्कृति और योग को जिस तरीके से वहां अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से दुनिया को यह उपहार देने का काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस दुनिया के अंदर आज भारत में नहीं, भारत के बाहर भी भागवत गीता हो, अनेक धार्मिक ग्रंथ हो, हमारी पुरातत्व भाषा संस्कृति पर, वेद विज्ञान पर जिस तरीके से दुनिया में रिसर्च चल रहे हैं और दुनिया के देश मानते हैं कि वेद ज्ञान की संस्कृति और विज्ञान आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जीवन में आवश्यक है, इसके लिए बड़े बड़े रिसर्च चल रहे हैं और उस रिसर्च के माध्यम से किस तरीके से मानवीय जीवन को शाश्वत जीने की राह ये ग्रंथ, ये वेद विज्ञान बता रहे हैं। स्वामी जी ने केवल मानवीय जीवन में नहीं, पशु पक्षी के साथ जब मैं इनके आश्रम में जाके देखता हूं कि कहीं बंदर हो, कहीं पक्षी हो, उसको भी जो प्यार श्री मिलता है, अपनापन मिलता है, ये उनका जीव आत्मा के प्रति स्नेह है, उनका प्रकृति के प्रति जो स्नेह है, उनको ये गंगा माँ निर्मल रहे उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक संस्कृति के माध्यम के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से एक संस्कृत के ज्ञान विज्ञान, वेद विज्ञान के साथ साथ वैदिक शिक्षा का ज्ञान समाज में पहुंचे, आने वाली पीढ़ी को संस्कारी शिक्षा मिले, उनके लिए उनका व्यापक समर्पण है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके अनुयायियों द्वारा समाज में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों के लिए भी मैं स्वामी जी का विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। आज शोभा जी ने जो किताब लिखी, ऐसे शोभा जी के लिए कठिन था कि स्वामी जी के जीवन में एक किताब में लिखना किसी भी लेखक के लिए बहुत कठिन काम, क्योंकि स्वामी जी का जीवन अद्भुत है। कितनी बार आप बैठेंगे, कितनी बार विचार विमर्श करेंगे, जितने उनके सानिध्य में जाएंगे उतनी आपको नई ऊर्जा मिलेगी, एक अलौकिक शक्ति मिलती है। और इसलिए जिन्होंने अपनी जिंदगी हिमालय के कंदराओं में गुजारी हो, तप और तपस्या से अपने जीवन को तपस्वी बनाने की यात्रा की हो,
उसको एक किताब में लिखना संभव नहीं है। लेकिन मैं शोभा जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देविक शक्ति प्राप्त स्वामी जी की जीवन में किताब को कुछ न कुछ अंश लिखने का प्रयास किया। इसके लिए वे साधुवाद पात्र हैं और आशा करता हूं कि हमारी जो भी युवा पीढ़ी तप और तपस्या की इस किताब को पढ़ेगी उस पीढ़ी को नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से संयम जीवन जीने की राह मिलेगी, शांत जीवन जीने की राह मिलेगी। आज के नौजवानों में एक ही जो कठिन चुनौती है, मन को शांत और स्थिर रखना, और मन को शांत और स्थिर जब ही मिलेगी साथियों जब आध्यात्मिक गुरु के चरणों में आपका स्थान हो, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने भी मेरी राजनीति जीवन में काफ़ी वर्ष गुजारे हैं और मेरे मित्र भी जब कभी कठिन दौर से गुजरते हैं तो मैं कहता हूं कि स्वामी जी के चरणों में चलो और जितना मन शांत स्थिर रहेगा उतनी काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी। और इसीलिए मैं शोभा जी को तो विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज स्वामी जी के सानिध्य का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत साधुवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस देवभूमि को देव तपस्या तप तपस्या की भूमि बना रहे, योग नगरी बना रहे, जिस तरीके से इस समय बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हो, बद्रीनाथ के दर्शन हो, गंगा के यात्री पर लाखों लोग इस देवभूमि पर आए और वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ नई प्रेरणा मिलती है। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में इस देवभूमि को आध्यात्मिक भूमि के साथ विश्व के नौजवानों के मन तन शरीर को स्वस्थ रखने की धरती होगी। और जब भी मन अशांत अस्थिर होगा विश्व के नौजवानों का, उनको एक ही रास्ता मिलेगा देवभूमि की ओर। इसके लिए उनके प्रयास निरंतर जारी है, आशा है उनके और प्रयास होंगे और माँ गंगा को हम निर्मल स्वच्छ रखते हुए, इसकी आध्यात्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से यह आने वाले समय में आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन पर्यटन का क्षेत्र इसको कर सकें, इसके लिए उनके प्रयास निरंतर हैं। मैं पुनः स्वामी जी के चरणों में सशर नमन करता हूँ। आपका सानिध्य प्रेम आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।